बिलवागंज मिर्जाखां तालाब पर छठ महापर्व के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिशा में विशेष रूप से स्वच्छता अभियान डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता के अध्यक्षता में चलाया गया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये संकल्प और सपना है कि हमारा पूरा देश स्वच्छ और साफ रहे, तो ये चीज़ तभी सफल हो पाएगा जब हमारे देश के सभी नागरिक इस स्वच्छता अभियान को शुरू करेंगे, काम करना इसमें, तभी ये संकल्प जो है स्वच्छ भारत का, स्वस्थ भारत का, ये तभी पूरा हो सकेगा। उसी के क्रम में आज लहरिया सराय के बेलवागंज में यहाँ पर मिर्जाखां तालाब है, यहाँ छठ पूजा होती है, तो आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा दरभंगा की ओर से यहाँ मिर्जाखां तालाब पर छठ घाट की सफाई हमारी जो पदाधिकारी हमारे कार्यकर्ता हैं और यहाँ के स्थानीय पार्षद हैं, सभी लोगों ने मिल करके यहाँ छठ घाट की सफाई की है। और सभी महिला लोग हैं ना छठ पर्व के लिए घाट सफाई करने के लिए, क्या कहेंगे? सभी लोग आज साफ करेगा, घर अंगना के साफ कर कर रखना है, जरूरी है, स्वच्छ रहेगा हर कर। स्वच्छ भारत रहे, इसके लिए हम लोग स्वच्छता अभियान निकाले हैं। डॉक्टर जी मेरे धर्मशीला जी की अध्यक्षता में हम लोग सफाई कर रहे हैं छठ घाट के लिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह कार्यक्रम है और इसे देशवासियों ने बखूबी चला रखी है, और आज हम लोग मैडम डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता जी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम किया है। हम सारे दरभंगा वासियों से ही नहीं, इवन की सारे देशवासियों से अपील करूंगी कि प्लीज वो जिस तरह घर की साफ सफाई रखते हैं, उसी तरह अपने अगल बगल तालाब पोखरा और नदी नाले की भी उसी प्रकार स्वच्छता बनाए रखे। नहीं रहेगी, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस महल वासियों को कि आप स्वस्थ अच्छे से रखिए इस पोखरा को, ताकि आपकी छठ घाट की पूजा सही सलामत से हो सके और हमारे जो है पोखरा साफ रहे। धन्यवाद। हम लोग गए हैं धर्मशीला जी को कहने के लिए, वो तो हमारे बाद में नहीं, उनको हम कहे हैं तो आकर कल आकर देख गई है और आकर कही है कि हम साफ सफाई करेंगे, आकर अपने आकर हमारे मोहल्ला में वो झाड़ू लगाई है, उसके साथ सभी मोहल्ले हमारे वार्ड पार्षद शीला जी हैं वो भी लगाई है साफ सफाई अभियान। हमारे मोहल्ला में बहुत पहले गंदगी था, अब तो बहुत सुधार हुई है, बहुत सुधार हुई है जब से क्या कहता है अशोक जी हमारे पार्षद हुए हैं, और उसके बाद पहले सबसे पहले हमारे जब से हम लोग का होश हुए तो हमारे वार्ड में धर्मशीला जी हमारे वार्ड की अथी वार्ड पार्षद थी, उस समय से हम लोग को बहुत अनुदान की, बहुत चीज़ हम लोग को दी किफायत में, और बहुत देखी। उनके बाद जाने के बाद उन उन
चले हमारे वार्ड से हार गई, उसके बाद दो तीन वो कैंडिडेट आया उसके बाद नहीं हो सका उन लोग को। अभी बबी खान हमारे वार्ड पार्षद हुए हैं माने दो तीन महीने के अंदर में, और गंदगी साफ सफाई को माने आगे कर रहे हैं। तो हमारे बेलवागंज बहुत थे, बहुत गंदा था, इतना गंदा था कि मत पूछिए, गरीबी से बेहाल था सर। और भाई बहन की अथी बेलवागंज एकदम साफ रहे, बाल बच्चा सब सुरक्षित है, पढ़े लिखे। कौन नहीं जानता है कि चीन जापान क्या कहता है, स्वच्छ भारत है, साफ सफाई रहता है। कौन नहीं, किसी आदमी नहीं जानता है कि हमारे घर आंगन साफ रहे। कौन देश नहीं, कौन औरत नहीं जानती कि हम अच्छा खाना खाएं, अच्छा पहने, अच्छा हो। इसी प्रकार मेरा भारत अच्छा रहे, अच्छा बने रहे। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगी, इससे ज़्यादा नहीं, हम लोग भी चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी महिला जिला मोर्चा के द्वारा शीला जी के नेतृत्व में मोहल्ला बेलवागंज स्वच्छ भारत के अभियान के तहत इन्होंने सफाई घाट के किए, जिसमें मोहल्ला के साथ साथ उनके साथ जो जिला के पदाधिकारी हैं महिला उन्होंने भाग लिया। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता बापू की सपना को साकार करने के लिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने ये बीड़ा उठाए हैं। और आज सौभाग्य की बात है कि जहाँ मातृशक्ति जग गई, नौजवान जग गया, वहाँ का परिवार, वहाँ का देश, वहाँ का समाज स्वच्छ की ओर अग्रसर होगा। और इसी का देन है कि आज भारत विश्व गुरु के रूप में अग्रसर हो रहा है। मैं सारे महिला मोर्चा के जितने भी पदाधिकारी शिला धर्मशिला जी के साथ, वार्ड पार्षद जो हमारे हैं शिला देवी, और जो पदाधिकारी हैं और समाज के जो व्यक्ति हैं, इन्होंने इसमें भाग लिए। इससे इस बात को आप लक्ष्य दिखाई पड़ती है कि अब भारत स्वच्छता की ओर जा रही है, और महात्मा गांधी और हमारे प्रधानमंत्री का सपना पूरे होने वाले हैं और भारत विश्व गुरु निश्चित रूप से बनेगा। साथ ही आप जिस मिर्जा खां तालाब पर आए हैं, अभी अभी पेपर के माध्यम से पता चला है कि तीन तालाब जो वहाँ है दरभंगा नगर निगम के अंतर्गत, दिग्घी, हराई, पोखर और गंगा सागर, जिसको 92 करोड़ रुपया नगर विकास द्वारा सौंदर्यकरण के लिए दिया है। जैसा ज्ञात हुआ है कि हमारे वार्ड पार्षद शीला देवी ने भी कोर्ट में मैटर को उठाए हैं कि मिर्जा खां तालाब भी एक महापोखर है, चाच और दरभंगा नगर निगम के अंतर्गत आती है, इसकी भी सौंदर्यकरण के लिए अग्रतर कार्रवाई किया जाए। क्योंकि यहाँ सिर्फ मोहल्ला नहीं, दूर दूर से आकर लोग यहाँ मिर्जा खां तालाब में छठ पर्व करते हैं और जन प्रणाम करते हुए इस घाट पर आते हैं। ये बहुत बड़ी पर्व बरसों से, और भी जिस तरह तीन तालाब का जो इतिहास बता रहा है, खनन उसमें चौथा तालाब भी है, लेकिन इनको जो लेकिन बोर्ड में मिला है आश्वासन। और इतना ही नहीं, इस मिर्जा खां तालाब की जो संस्कृति है, जो यहाँ का देखने जाता है, गंगा जमुना की जो लक्ष्य दिखाई देती है जमुनिया की, मिर्जा खां तालाब के पूर्व और पश्चिम मज़ार है, जहाँ हर वर्ष मेला लगती है और मुसलमान लोग अपने पर्व में नवाज अदा करते हैं। मिर्जा खां तालाब के ठीक दक्षिण एक महावीर मंदिर आपके सामने दिखाई देते हैं, भोला बाबा का और माता पार्वती का मंदिर है। और यहाँ के समाज के लिए, क्योंकि एक पिछड़ा और दलित वर्ग के यहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं महादेवपुर, एक सामुदायिक भवन अच्छी कोशिश से जो मैं पार्षद था उसको बनाया हूँ। मिर्जा खां तालाब के उत्तर और दक्षिण धोबी समाज के द्वारा भरिया पूजा, जिसको भुइयां पूजा कहते हैं, प्रति वर्ष धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें शहर के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित होते हैं यहाँ एक गंगा जमुनिया के। इसलिए मैं आपके चैनल के भी माध्यम से कह रहा हूँ, मैं ध्यान सरकार को कि जब 92 करोड़ रुपया तीन तालाब की सौंदर्यीकरण के लिए दिया गया, तो मिर्जा खां तालाब के भी सौंदर्यीकरण का ही, कि ये नगर निगम का ही समाज का धरोहर है, और मुझे उम्मीद है कि इस पर हो जाए। और मैं समाज के महिलाओं को जो आज आई हैं, और धर्मशिला जी को वार्ड पार्षद जितने, उनको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। हम महिलाओं आज आए हैं ये मिर्जा खां तालाब पे छठ के पर्व के लिए सफाई का अभियान, स्वच्छता अभियान के तहत, और हम लोगों का यही है जो हम लोग बढ़िया से पर्व मनाएं और सभी आपस में बढ़िया से रहें, और साफ सफाई स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम लोग पूरा भारत को सफाई करने का, साफ सफाई स्वच्छ रखने का अभियान उठाए हुए हैं। रुद्र सावित्री मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 2017 जो जिला खेल संघ दरभंगा द्वारा 8 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक नेहरू स्टेडियम लहरियासराय में आयोजित की जा रही है। शुक्रवार को प्रथम मुकाबले में हायाघाट प्रखंड के
टीम ने बेनीपुर प्रखंड की टीम को 14 रनों से हराया। वहीं दूसरी मैच में टारडी ने बिरौल प्रखंड पर 67 रनों से जीत दर्ज की। दरभंगा समर नाले धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार दरभंगा द्वारा नियुक्त पंचायत शिक्षक शिक्षिकाओं ने किया। पारित किया गया तब से हम लोग कार्यरत हैं। कार्यरत होने के बाद में आजकल अपनी पदाधिकारी कर रहे हैं, आज सीमेंट कर रहे हैं, कल सीमेंट कर रहे हैं, टाल मोटर करते करते हम लोग को 4 साल तक लेके चले गए हैं। अभी तक पेमेंट नहीं किया गया। इसके बाद जो है इसी में से एक असगर अली नाम को जो 417 का जो उसका दिया गया है माननीय उच्च न्यायालय से आदेश भी आ गया। आदेश आने के बावजूद भी विभाग जो डी ओ साहब आदेश भी कर दिए इन्हें 1 सप्ताह के अंदर पेमेंट भुगतान किया जाए, उसके बावजूद भी पेमेंट भुगतान नहीं किया जा रहा है। नहीं यहाँ से मिलेगा तब तक लगातार रहेगा, हो सकता है। यहाँ पे बैठे हुए हैं तब तक बैठिएगा, अनिश्चितकालीन है, जब तक वेतन नहीं हो जाता है तब तक धरना नहीं तोड़ते। कल से नियुक्त हैं आप लोग? हम लोग 2014 से नियुक्त हैं। कल किस विद्यालय में हैं? प्राथमिक विद्यालय मुखवासी प्रखंड। प्रखंड बहादुर। क्या नाम हुआ आपका? सहनाज बहादुर। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग दरभंगा द्वारा सक्रिय मछुआ सदस्यों को मत्स्य विपणन हेतु अनुदानित दर पर 2 पहिया वाहन सह आइस बॉक्स वितरण पोलो मैदान लहरिया सराय दरभंगा में किया गया। जो है मुख्यमंत्री मत्स्य विकास योजना अंतर्गत मोपेड सह आइस बॉक्स का वितरण किया जा रहा है सक्रिय मछुआ के बीच। इसका उद्देश्य है कि मछली जो है ताज़े कंडीशन में गांव गली तक मतलब पहुंचे और बेचने वाला को भी उचित कीमत मिले। ये आइस बॉक्स में बर्फ के साथ जो है मछली अच्छे कंडीशन में 12 घंटा से 18 घंटा तक रह सकती है, इसलिए इसका उचित मूल्य भी मिलेगा और लोगों को स्वस्थ मछली हाइजेनिक मछली खाने के लिए मिलेगा और उससे गुणोत्तर स्वास्थ्य में समाज की वृद्धि होगी। दूसरे तरफ मछुआओं की भी आय में भी अभिवृद्धि होगी, यही सरकार का। कितने मोपेट अभी दिए जा रहे हैं? लाभुकों का चुना गया जो वो मत्स्य सोसाइटी के मेंबर हैं और वो मछली बिक्री का काम कर रहे हैं। इस आधार पर मंत्री से उसका अनुशंसा लिया गया था, उसके आधार पर हम लोग चयनित किए और उसको मत्स्य विपणन के कार्य के लिए इसको प्रमोट करने के लिए हम लोग इसमें 70% अनुदान दिया गया है सरकार की तरफ से। कितना पैसा लिया गया इसके लिए? 45,000 पर जो है लागत निर्धारित है जिसका 70% सरकार दी है, शेष अगर एसोसरेज वगैरह में लगा है तो वो लाभुक को स्वयं मतलब वहन करने की बात है। आइस बॉक्स और इसमें 45,000 का मूल्य निर्धारित है जिस पर 70% राशि जो है सरकारी तरफ से दी गई। आज जो दी गई है वो कितने लोग हैं और फिर बाद में दिया जाएगा? कुल 25 लोगों को, 25 लोग हैं यहाँ अवेलेबल। इनका मतलब उद्घाटन DDC साहब के समक्ष करवाया गया था, रिबन कटवाया गया था। हमारे उप मत्स्य निदेशक दरभंगा प्रक्षेत्र दरभंगा भी हैं गौरीशंकर जी, हम लोगों ने इनका जो है सो मतलब कार्यक्रम का संपन्न कराया। आगे भी कुछ देने का प्लान? आगे भी हर एक वित्तीय वर्ष में आने की संभावना है, तो अभी हम लोग मोपेट दिए हैं, आगे इस तरह का कार्यक्रम और भी चलेगा। हम लोग फोर व्हीलर के लिए भी एक्टिव फार्मर के लिए बात करेंगे, ऐसा आएगा तो आगे भी मतलब सरकारी इस दिशा में जो है अवश्य मुहैया करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? कुमार विमल प्रसाद, जिला मत्स्य प्रधान। इस संस्था से मलाह व जाति को
बहुत हौसला और बुलंद व्यापार करने का बहुत उत्सव मिला है। इनसे हम लोग सरकार से बहुत खुश हैं। आज के दिन क्या मिला है आपको? आज के दिन हम लोग को व्यापार करने के लिए TVS लूना मिला है, इससे हम लोग व्यापार कर सकते हैं। और आइस बॉक्स भी आपको मिला है? जी, आइस बॉक्स भी मिला है। इस बॉक्स से जो है सो मछली ज़्यादा देर तक टिकाव रह पाएगा, इससे हमको नुकसान बहुत कम से कम होगा, लोगों को फायदा होगा, खाने वाले के लिए भी ताज़ा ताज़ी मछली मिलेगा। क्या नाम हो? राजकुमार सोनी। कहाँ रहते? मलीगाछी जगदीशपुर पंचायत। दरभंगा शहर में शुक्रवार को जाम से समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रशासन द्वारा बेता थाना क्षेत्र के अवैध पार्किंग एवं नो एंट्री प्रवेश में वाहनों को जब्त कर बेता ओपी के द्वारा टेम्पू एवं मोटरसाइकिल को जब्त कर चालान काटा गया। लगभग 20 टेम्पू एवं कई मोटरसाइकिल को चालान काटा गया। बिरौल अनुमंडल के सुपौल SBI बैंक में रुपया निकासी करने पहुंची खातेदारी के साथ बैंक कर्मी ने किया मारपीट व दुर्व्यवहार। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को किया समझा बुझाकर शांत। खाता लेके फेंक दिला बैंक में। प्रतिष्ठित पत्रकार स्वर्गीय राम गोविंद प्रसाद गुप्ता की 82वीं जयंती के अवसर पर 13 अक्टूबर को दोनार चौक स्थित तिरुतवाणी समाचार कार्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का विषय पक्षीय पत्रकारिता और राष्ट्रहित। इस कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व कुलपति डॉक्टर देव नारायण झा मुख्य अतिथि एवं वरिष्ठ सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतक डॉक्टर जितेंद्र नारायण एवं बिहार उर्दू परामर्श दात्री समिति के उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार डॉक्टर मुश्ताक अहमद मुख्य वक्ता रहे। जवाबदेह कि नहीं, वो नेता के लिए जवाबदेह है, पॉलिटिकल पार्टी के लिए जवाबदेह है, विभिन्न तरह का धर्म की जो सहिष्णुता होगी या धर्म की जो भावना होगी उसके लिए जवाबदेह है कि नहीं, मांस के लिए जवाबदेह है। पत्रकार मांस के लिए जवाबदेह है, वह वर्ग के लिए चौथा, इसीलिए उसको कहा जाता है चौथा स्तंभ। चौथा स्तंभ कौन है? जो नहीं, जिसके मुंह में जवान नहीं है, जिसके मुंह में बोली नहीं है, उसके बोली के लिए आप हैं। और चौथा स्तंभ जो है सारे देश में क्या कहता है नहीं कहता है उसी को पकड़ना असली पत्रकारिता है। और कहिएगा जो धारा के विपरीत जो एक आदमी बोल रहा है उसका आवाज़, तो उसका आवाज़ भी रहेगा, उसका आवाज़ नहीं छोड़ देगा सो नहीं, लेकिन उस एक आवाज़ के लिए संपूर्ण मास की आवाज़ को नहीं छोड़ा जा सकता है। इसलिए किसी व्यक्ति का नहीं छपना, किसी व्यक्ति का और कुछ नहीं होना, किसी व्यक्ति का पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के हम कुछ कहें और उसका नहीं छापा तो इसलिए दोष निकल जाएगा, ये कोई विशेष माने नहीं रखता है। मांस की आवाज़ कितनी दूर तक आप व्यक्त करते हैं, मांस के साथ आप हैं कि नहीं, मांस का ओपिनियन आप देते हैं कि नहीं, और सर्वत्र मांस क्या चाहता है,
वो गुस्से प्रकट करना ठीक है, और निरर्थक छोटी छोटी बातों पर असहिष्णुता प्रकट करना और असहिष्णुता को अखबार ने जगह नहीं दिया हो यह दिखाना, यह केवल पत्रकारिता नहीं है। तबाही उसकी वजह से है। तो मैं एक छात्र होने के नाते, एक मामूली इंसान होने का जो महसूस करता हूँ, मैंने आपके सामने ये बात रखी कि आज की पत्रकारिता पक्षधर तो है लेकिन वो मजलूम की नहीं है, जालिम की, अन्याय की नहीं है। वो अन्याय कर जो जुर्म ढाता है उसकी वाहवाही में करता है, और ऐसे स्थिति में राष्ट्रहित कहीं ना कहीं, राष्ट्रहित हमारा ऐसा देश है ये मिट्टी, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, ये है कुछ बात इसके अंदर, वो नहीं हटा सकते किसी को, लेकिन उसके चेहरे पे जरूर सवाल या निशान आएगा, उस आईने पे गर्द आएगा। आज देश की जो जिसको फोर्थ स्टेट आपने कहा, उस आईने पे गर्द है, उसको साफ करने की जरूरत है, और वो साफ आपके हमके जैसे विचारों से आगे बढ़ेगी। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवा बनता गया। करता हूँ कई लोगों को हटा दिया गया, किसी कुलपति के खिलाफ लिखने पर अखबार बदल दिया गया, सतीश सिंह अच्छी तरह से वाकिफ है, लेकिन यदि अगर वो अपना धर्म निभाता, अगर वो अपने धर्म में होता, अखबार जो अखबार का धर्म है, पत्रकारिता का धर्म है, तो ऐसा कभी नहीं करते उसके ऊपर बैठे। लेकिन ऊपर बैठे की मजबूरी ये है कि उसको लाभ पहुंचाना है जी। आप अगर नहीं देंगे अखबार को इतने एडवर्टीजमेंट, तो आपको नहीं रखा जाए, आपको टारगेट पूरा करना है। ये अखबार में टारगेट कौन होता था पहले, जो हमारी लघु पत्रकार थी, टारगेट वो व्यक्ति था, गांधी जी ने जो कहा था वो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति था, आज अग्रणी पंक्ति का व्यक्ति है। आज अखबार में सुर्खियों में वो शख्स है जो अग्रणी पंक्ति का है। गांधी जी ने जब हरिजन आशी पत्रकारिता की थी, बार बार उनके हर लेखों में याद था कि मुसीबत होगा जब हम अग्रणी पिछली पंक्ति के लोग। तो आज वो तब्दीलियां आई है, ये इनकलाब आया है, ये सोशल मीडिया और ये भी कुछ भरम अगर बचा हुआ है, लेकिन उसमें भी आप ये है कि आप उस पर जब कमेंट करेंगे आपको डिलीट कर देगा, आपके नाम अपने फेसबुक से हटा देगा, आपको जो जिस ग्रुप में जो रखा है वहाँ से हटा देगा, आप अपनी बात नहीं कर सकते। ये जो अब हुआ है, नतीजा ये है कि आप अलग अलग पार्टियों के वार रूम बन गए हैं, उनके वार रूम में। हमको अभी अलीगढ़ में चुनाव हो रहा था, मैंने एक लड़का से पूछा, स्टूडेंट रहा है हमारा यहाँ, वहाँ देखा मैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोला मैं वार रूम में काम कर रहा हूँ। वार रूम में क्या होता है भाई? तो हम लोग दिन भर सर बैठ करके मैसेज करते रहते हैं, ये वार रूम में पार्टियों की, क्यों? चूंकि आप आवाम पे उनको भरोसा नहीं रहा, जब आवाम पर भरोसा नहीं होगा तो वो उसी तरह की सहायता लेंगे, पत्रकारों को बिजनेस का अड्डा बनाएंगे, उसी तरह के साहूकारों को अपना माउथपीस बनाएंगे। आज देश में गंभीर चिंता विषय पर बता दीजिए कि 20 सालों में कोई राजनीति का कोई आ गया हो लेखा, क्या कारण है कि अरुण सोरी अपना लेख अपने अखबार के अलावा दूसरे अखबारों में नहीं छपा पाए? क्या कारण है कि जसवंत सिंह अपनी बात को दूसरे अखबारों में नहीं छपा पाए? क्या कारण? अगर इस देश की पत्रकारिता बागची पक्षर होती, या उसको ये कह दिए कि वो आज़ाद होती, तो वो दोनों के बाप बेटे के लेख और सिर्फ उस इंडियन एक्सप्रेस के अलावा दूसरे अखबार में छपता। इन दिनों दरभंगा शहर के सड़क किनारे सफाई अभियान चलने के बावजूद भी कचरा का जमावड़ा भरे पड़े दिख जाएंगे। लोग घर से कचरा निकाल के सड़क के किनारे फेंकते हैं या सड़क पे ही फेंक देते हैं, जिसके कारण सड़क पे गंदगी भर जाता है और लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि नगर निगम की ओर से साफ सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है, बावजूद अभी भी कई जगह ऐसे हैं जहाँ गंदगी भरा पड़ा है। इस नगर निगम को और कड़ी मशक्कत करने की जरूरत है। हालांकि दीपावली के समय है, जिसके कारण हर घर से कुछ न कुछ कचरा घर से बाहर निकलता है और वह सड़क पे ही जाता है। इस वजह से सड़क पे चलने वालों को सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कचरे से धूल गर्दा एवं गंदगी जैसे कई परेशानियों से झेलना पड़ रहा है।
बिशनपुर थाना क्षेत्र के शोभन एकमी बाईपास पर भरौल चौक के समीप तेज रफ्तार में बाइक सवार ने सड़क किनारे रखे पत्थर से टकराई, जिसमें एक युवक घटनास्थल पे ही मौत हो गया, दूसरे युवक का इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। नटराज आर्ट्स एंड कल्चरल चैरिटेबल ट्रस्ट, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, पता मशरफ बाजार टावर चौक दरभंगा। यहाँ हर एक प्रकार की डांस सिखाई जाती है, जैसे क्लासिकल डांस, फोक डांस एंड वेस्टर्न डांस, और यहाँ म्यूजिक और पेंटिंग भी सिखाई जाती है। संपर्क करें मशरफ बाजार ICICI ATM के सामने दरभंगा। सेंट्रल पब्लिक स्कूल बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, पता BMP 13 सोनकी रोड दरभंगा, एवं दूसरा पता सत्संग नगर भैरोपट्टी गन चौक दरभंगा। यहाँ कंप्यूटर क्लास, साइंस लैब, डांस, म्यूजिक, खेल, ट्रांसपोर्ट, पीने योग्य पानी और CCTV कैमरे की व्यवस्था है। यहाँ हॉस्टल की सुसज्जित सुविधा है। संपर्क करें फर्स्ट ब्रांच BMP 13 सोनकी रोड और सेकेंड ब्रांच भैरोपट्टी गन चौक दरभंगा। न्यू खुशबू फैंसी फर्नीचर हाउस, कुशल कारीगरों द्वारा यहाँ बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, मिड केस, अलना टेबल, कुर्सी उपलब्ध है। यहाँ अपने पसंद के फर्नीचर भी बनवा सकते हैं। घर के खिड़की हो या दरवाजा, फर्नीचर के सभी तरह के लकड़ी उपलब्ध है। यहाँ भाड़े पर बोलेरो स्कॉर्पियो भी मिलता है। संपर्क करें पंडा सराय गुमटी नंबर 18 के निकट लहरिया सराय दरभंगा।